हे गाइस, वेलकम बैक। आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है, समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए। एसी भी 24 घंटे चलते रहते हैं, लेकिन हम कब तक एसी चलाएं? समझ नहीं आता कि अपने घर को किस तरीके से ठंडा रखा जाए। और पावर कट तो काफ़ी जगह पर बहुत ज़्यादा है। दिन हो या रात, ऐसा लगता है कि घर का हर कोना आग उगल रहा है, और ख़ास तौर पर छत। दिन के टाइम तो छत इतनी गर्म हो जाती है कि ऐसा लगता है कि काश हम कुछ कर सकते और इस छत को थोड़ा सा ठंडा कर सकते। ख़ास तौर पर वो लोग बहुत परेशान होते हैं जो कि टॉप फ्लोर पर रहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट हाउसेस में ही ऊपर रहते हैं। उनकी छत इतनी तपती है कि उनको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इसी से ही रिलेटेड है कि हम अपने घर की छत को किस तरीके से ठंडा रखें, जिससे कि हमारे घर के अंदर का टेम्परेचर 5 डिग्री तक कम हो जाए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं यहाँ सिर्फ वही उपाय बताऊंगी जो आप इजीली कर सकते हैं बिना बहुत सारा पैसा खर्च किए हुए, और चाहे तो वो उपाय आप खुद अपने हाथों से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उपाय है आपकी छत के लिए ही, आपको अपनी छत पर ऐसा पेंट कराना है जो कि हीट रेजिस्टेंस हो। आजकल बहुत सारे पेंट्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। इनके एक या दो कोट से ही आपके कमरे का टेम्परेचर 5 डिग्री तक कम हो जाता है। आप चाहें तो इसके दोनों कोट खुद ही अपने हाथों से कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इतना पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत ही मामूली से पैसे में आपका काम हो जाए, तो एक और उपाय है, और वो है चूना पाउडर, जिसको हम लाइमस्टोन पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है और ये बहुत ही चीप रेट्स पे हमको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे यूज़ करना है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। आप इजीली खुद अपने हाथों से अपनी छत पर चूना पाउडर का कोट कर सकते हैं। इसको यूज़ करना आसान है, जैसे मैंने आपको बताया है। आपको एक मीडियम साइज़ के हाउस के हिसाब से 5 किलो चूना पाउडर काफ़ी है। इसको यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो चूना, सेकेंडली फेविकोल, और उसके बाद पेंट करने के लिए पेंट का ब्रश। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने घर की छत को साफ करना होगा, क्योंकि छत पर अक्सर धूल मिट्टी के साथ साथ काई भी बहुत जमी हुई रहती है। तो हमें अपनी छत पर झाड़ू लगाकर अच्छे से साफ करना है। झाड़ू लगाने के बाद हमें पानी से अपनी छत को अच्छे से धो देना है, जिससे कि बिल्कुल भी धूल मिट्टी या काई है वो नहीं रहे, क्योंकि उससे जब आप चूना अप्लाई करेंगे तो वो बहुत अच्छे से लगा रहेगा और ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा। जब छत अच्छे से धुलने के बाद सूख जाए, उसके बाद ही हमें छत पर चूना अप्लाई करना है। तो उसको कैसे यूज़ करना है चलिए बताती हूँ। सबसे पहले हमें एक बकेट लेनी है। आप स्टील की बकेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, प्लास्टिक की बाल्टी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चूने के साथ मिलकर रिएक्शन कर सकती है, इसलिए स्टील बिल्कुल अवॉइड करें आप। उसमें 2 किलो चूना डालने के बाद आप इसमें 4 लीटर पानी डालें। हमें यहाँ डबल क्वांटिटी रखनी है पानी की, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, आपको हाथ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी लकड़ी की डंडी को लें और इससे अच्छे से मिक्स कर लें। हाथ डालने से आपके हाथ के जलने का डर रहेगा, क्योंकि चूना पानी डालते ही बहुत गर्म हो जाता है और ये आपके हाथ को जला सकता है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब आपको इसमें 1 लीटर फेविकोल डालना है। इस तरह के फेविकोल के पाउचेस मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं, वरना जो आम जो फेविकोल मिलता है आप उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमारा चूने का पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको ब्रश की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्रश भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो एक और आसान सा तरीका है, और वो है झाड़ू। जी हाँ, पानी वाली जो झाड़ू होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली चूने की बाल्टी को थोड़ा थोड़ा छत पर डालकर और झाड़ू से फैलाते रहना है। जिस तरह हम फर्श को धोते हैं ना, उसी तरह हमें चूने को पूरी छत पर अप्लाई कर देना है। आप ब्रश का यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक कोट अच्छे से पूरे छत पर कर देना है, 24 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप दूसरा कोट जरूर करें। आप 2 से 3 कोट कर सकते हैं, लेकिन 2 कोट तो जरूर ही करें। उसी के कारण ही अच्छी जो लेयर है वो चूने की रहेगी और हमारा घर बहुत अच्छे से ठंडा रहेगा। जितनी मोटी लेयर होगी घर उतना ही ठंडा रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चूने का असर जानना चाहते हैं तो उस पैच पर खड़े हो जाएं जहां पर
चूने की कोई भी कोटिंग नहीं है वहाँ पर खड़े हों, और जहाँ पर चूने की डबल कोटिंग हो वहाँ पर खड़े हो जाएं। आपको साफ डिफरेंस पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके पैर जलेंगे जहाँ चूने की कोटिंग नहीं है, और जहाँ पर कोटिंग है वहाँ आपके पैर नहीं जलेंगे। तो इसी तरह आपका घर भी चूने की कोटिंग के कारण 5 डिग्री तक ठंडा रहेगा। फ्रेंड्स, चूने की कोटिंग बहुत ही अच्छा उपाय है, आप भी इसका फायदा जरूर उठाइएगा। आजकल काफी लोग इसको अपना रहे हैं, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही फ्रेंड, दूसरा उपाय भी मैं आपको बताती हूँ जो बहुत ही आसान है, और अगर आपको बागवानी या गार्डनिंग करने का शौक है तो ये उपाय आपके लिए ही है। आप अपने घर की छत पर एक अच्छा सा टेरेस गार्डन बना लें। आप चाहें तो सब्जियां भी उगा सकते हैं और केमिकल फ्री ऑर्गेनिक सब्जियों को एंजॉय कर सकते हैं। कम पैसे में आप दो चीजें कर सकते हैं, घर की सब्जियां और साथ ही आपका घर भी ठंडा रहेगा। देखिए फ्रेंड, सब्जियां उगाने के लिए रूफ टॉप पर ताजी हवा, तेज धूप और पानी सब कुछ अवेलेबल रहेगा, तो अच्छी सब्जियां उगेंगी। इसके साथ ही आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों आपकी अच्छी रहेगी। तो एक काम में बहुत सारे फायदे हैं, और छत तो आपकी ठंडी रहेगी ही, और आजकल तो ये खूब फैशन में है। आप ऐसी सब्जियां उगा सकते हैं जिसके लिए ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। अगर आप सब्जियां भी नहीं उगाना चाहते हैं तो मनपसंद फूलों से भी अपने घर और अड़ोसे पड़ोसियों के घर को भी महका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स, अगला जो उपाय है वो भी बहुत पॉपुलर है और आपने काफ़ी जगह देखा होगा, वो है ग्रीन कलर की मैश या नेट। इसको ग्रीन हाउस नेट या मैश भी कहते हैं, और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है और ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। आपको इसको उस जगह लगाना है जहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट आपके कमरे में अंदर आती हैं, जैसे कि खिड़की पर, बालकनी में, यहाँ पर तो आपको इसको लगाना ही है। उससे क्या है कि काफ़ी सारी गर्मी, जो सूरज की गर्मी है, वो कम हो जाएगी। इसके साथ ही इसे आपको अपने घर की छत पर भी यूज़ करना है। अगर आपने गमले लगा रखे हैं तो आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर आपने फ्लावर पॉट्स या गार्डनिंग नहीं कर रखी है तब भी आप 4 से 5 फीट की दूरी पर आप इस नेट को लगा दें। आप साइड में बैम्बू के स्टिक खड़े करके इसको लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए 5 से 6 डिग्री तक की हीट को ये कम कर सकता है। बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत ही सस्ता भी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही अगर आपकी गाड़ी खुले में खड़ी रहती है तब भी आप इसको लगा सकते हैं, आपकी गाड़ी अंदर से ज़्यादा गर्म नहीं होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट उपाय जो है वो है फॉल सीलिंग। हाँ फ्रेंड्स, फॉल सीलिंग बहुत अच्छा उपाय है। ये थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन ये एक अच्छा और परमानेंट इलाज है हीट को कम करने का, क्योंकि आपकी जो सीलिंग है उससे कम से कम 6 इंच नीचे पर फॉल सीलिंग बनाई जाती है। फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते ही हैं कि एयर हीट के लिए एक बैड कंडक्टर है, जिसके कारण हवा जो फॉल सीलिंग और सीलिंग के बीच में रहती है वो हीट को नीचे आने ही नहीं देती है। इसलिए कम से कम 5 डिग्री तक का, जी हाँ फ्रेंड्स, 5 डिग्री सेल्सियस तक फॉल सीलिंग के कारण हमारा कमरा ठंडा रह सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उपाय की ओर, जो कि बहुत ही सस्ता उपाय है और ज़्यादा मेहनत की भी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली थर्माकोल की कुछ शीट्स लेकर अपनी छत पर बिछा देनी है। आप चाहें तो ईंटों से इसको दबा सकते हैं, जिससे कि हवा के प्रेशर के साथ उड़ेंगे नहीं। फ्रेंड्स, बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ इलाज है हीट को कम करने का। फ्रेंड्स, इसके साथ ही एक और परमानेंट इलाज है, वो है मिट्टी की इस तरह की कटोरियाँ, जिनको हम कसोरे भी कहते हैं, उनको छत पर बिछा कर उनके बीच में सीमेंट भर दिया जाता है। इन प्लेट्स और सीलिंग के बीच की जो एयर है वो हीट को नीचे नहीं पहुंचने देती है, जिसके कारण हमारी छत ठंडी रहती है। हाँ कि ये थोड़ा सा महंगा इलाज जरूर है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के उपाय बताए हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा पैसा बिना खर्च किए हुए ही अपने घर की छत को ठंडा रख सकते हैं और इस चिलचिलाती हुई धूप में थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।